नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना चंदन प्रभाकर। तू तू बता, तू इतने दिनों से कहां था? कितने दिनों से कहां था? सबको पता भाजी, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया तो हम सारे गए थे, सारे वापस नहीं ना आए। और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत, आपकी अपनी आवाज। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के आगमन पर सब्जी मंडी जावा पैलेस में धार्मिक संतों की भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर दशहरा कमेटी इनर व्हील क्लब द्वारा भक्तों की सेवा सुरक्षा में घंटों खड़े रहकर भक्तों की सेवा की गई। इस अवसर पर महाराज श्री के धार्मिक उपदेशों के बाद लंगर लगाकर सभी को प्रसाद भी वितरित किया गया। रामलाल चौक पर मलिक मेडिकल स्टोर वाली गली में रिहायशी मकानों के बीच बनाई जा रही बर्गर की दुकान खुलने को लेकर लोगों में रोष बना हुआ है। लोगों का कहना है कि दुकानदार अवैध तरीके से दुकान बना रहा है और उसने गली में जनरेटर भी लगाया है, जिससे प्रदूषण की समस्या तो बढ़ेगी ही, साथ में युवाओं का भी जमघट लगा रहेगा। इंसार बाजार चौक के सभी दुकानदारों ने सर्वसम्मति से प्रेम अरोड़ा को पुनः अपना प्रधान चुन लिया। ज्ञात रहे कि गत दिनों प्रेम अरोड़ा प्रधान ने अपने कुछ घरेलू समस्याओं के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सभी बाजार के दुकानदारों ने यह जिम्मेदारी फिर से प्रेम अरोड़ा को सौंप दी है। प्रेम अरोड़ा पिछले 25 सालों से निर्विरोध इंसार चौक के प्रधान बनते चले आ रहे हैं। पानीपत के कोटानी रोड पर रहने वाली 33 वर्षीय शालू नाम की महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर पर महिला की सबसे छोटी बेटी मौजूद थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया। वार्ड 7 के अशोक विहार और डाबर कॉलोनी में इन दोनों नागरिक पीने के पानी की समस्या के चलते परेशान हैं। मेयर सुरेश वर्मा के ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंची अशोक विहार कॉलोनी की इन महिलाओं का कहना है कि गर्मी का मौसम है, ऊपर से पीने के पानी की किल्लत भी लगातार बढ़ती जा रही है। कार्यालय के बाहर शिकायत लेकर पूछी महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से पानी की समस्या वार्ड में बनी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली की शॉर्टेज के चलते जिले में धान की फसल लगा रहे किसान काफी परेशान हैं। धान लगाने के लिए न तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पा रहा है और न ही लाइट की कोई समय सीमा है। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि रात रात भर जाकर वो लाइट का इंतजार करते हैं, उसके बाद कुछ ही घंटे के लिए जब लाइट आती है तो उसके लिए भी किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ जगह पर जहाँ पर धान की फसल लगाई जा चुकी है, वहाँ पर फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं मिल पा रहा।